हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं या किसी भी तरीके की वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, देन देर आर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ विच आर ALVS, विच स्टैंड्स फॉर ऑडियो, लाइटिंग, वीडियो एंड स्टेबलाइजेशन। तो ये चार चीज़ें इसी ऑर्डर में क्यों इंपॉर्टेंट है एक वीडियो बनाने के लिए। टू बिगिन विथ, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर ऑडियो इवन बिफोर योर वीडियो। एक बार आपकी वीडियो अच्छी नहीं दिख रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है देन वॉचिंग योर वीडियो कैन बी अनप्लेजेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट इन अ गुड माइक्रोफोन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। देन कम्स द लाइटिंग। लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द मूड ऑफ द वीडियो एंड इट ऑल्सो गिव्स अ गुड विजुअल क्लैरिटी टू द वीडियो। तो आपकी वीडियो अगर लो रेजोल्यूशन है तो भी फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी लाइटिंग अच्छी हो। उसके बाद आता है नंबर वीडियो क्वालिटी का। आजकल के मॉडर्न डे मोबाइल फोन्स काफी अच्छा वीडियो शूटिंग कर लेते हैं and that's why it is not necessary for you to have an expensive camera. But time के चलते आप अच्छे camera equipment में या एक अच्छे video shoot करने वाले mobile phone में जरूर invest कर सकते हैं। And सबसे end में आता है stabilization। अगर आपकी video shaky हो तो लोगों को वो देखने में पसंद नहीं आती है। And that is why it is very important that you place your camera either on a very flat and steady surface or you can invest in a good quality tripod. And that is what we are going to talk about today. So today I'm going to review a tripod by E-Image and its model number is EI7110A. Now let's talk about the features of this tripod. This tripod is made in aluminium and it supports up to 3 kg of payload. इसको फुल्ली एक्सटेंड करने के बाद इसकी मैक्सिमम हाइट 5.5 फीट तक जा सकती है। ये ट्राइपॉड आता है एक फ्लूइड हेड के साथ जो रिमूवेबल है और ये आपको स्मूथ पैन एंड टिल्ट मूवमेंट्स देता है। इसमें क्विक रिलीज कैमरा माउंटिंग प्लेट है जो प्लास्टिक से बना हुआ है। इसके साथ आता है एक मेटालिक रिमूवेबल हैंडल जिसको आप पैन और टिल्ट मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इस ट्राइपॉड के जो एक्सटेंडेबल एल्यूमिनियम फीट है इनकी थिकनेस काफी अच्छी है और इसके दो लेग्स पे स्टायरोफोम ग्रिप्स भी आते हैं जिससे आप इजीली इस ट्राइपॉड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। और इसके फीट के बॉटम में रबर कैप्स भी है गिविंग यू अ गुड होल्ड ओवर द ग्राउंड। इस ट्राइपॉड का ओवरऑल वेट इज ओनली अराउंड 2 kg, सो देयर इज नो प्रॉब्लम कैरिंग दिस ट्राइपॉड अराउंड। इस ट्राइपॉड में दो स्पिरिट लेवल्स दिए हुए हैं और इसके फ्लूइड हेड के टिल्ट मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस ट्राइपॉड यूजिंग दिस रोटेटेबल लिवर विच इज अ गुड ऑप्शन फॉर क्विक हाइट एडजस्टमेंट्स। अब बात करते हैं इस ट्राइपॉड के कुछ कॉन्स की। इसका पैन रोटेशन करते वक्त स्टार्ट में एक हल्का सा जर्क आता है विच इज नॉट अ गुड थिंग। मेरे लिए पर्सनली इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज मैं मेरे पैनिंग शॉट्स इस प्रॉब्लम को नजर में रखते हुए प्लान कर रहा था। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नजर आया वो ये है कि इसके पैनिंग हेड में फ्रिक्शन एडजस्टमेंट नहीं है। देन इसका जो क्विक रिलीज कैमरा माउंटिंग प्लेट है वो प्लास्टिक या किसी फाइबर टाइप मटेरियल से बना हुआ है, सो मुझे इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल लगी। बट नंदलेस इन माई 2 months ऑफ यूजेज मुझे इसे कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। एंड लास्टली, इस ट्राइपॉड के साथ वारंटी तो आती है बट मुझे कहीं पे भी इसके कोई सर्विस सेंटर नहीं मिले। इंस्पाइट ऑफ दिस नेगेटिव पॉइंट्स ये ट्राइपॉड मुझे काफी अच्छा लगा एंड इट फंक्शंस रियली वेल। सो इन कंक्लूजन, दिस ट्राइपॉड इज गुड इफ यू आर अ बिगिनर और एन इंटरमीडिएट यूजर एंड इफ यू ऑन अ ट्राइपॉड विद फ्लूइड हेड फॉर द स्मूथ बी रोल्स बट यू आर ऑन अ टाइट बजट। ऑनलाइन मुझे इससे भी चीपर ऑप्शंस मिले थे जैसे डिजिटेक का फ्लूइड हेड ट्राइपॉड था, बट फोटोज में मुझे इस ट्राइपॉड की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी एंड थैंकफुली व्हाट यू सी इन द फोटोज इज व्हाट यू एक्चुअली गेट। I've been using this tripod for last 2 months and except for the little jerk when you start panning, मुझे इस tripod में और कोई problem नजर नहीं आई। So I highly recommend this tripod. You can buy it on Amazon for ₹4989. The link is down below in the description. You can use that link to buy this tripod. इस वीडियो की शुरुआत में जब भी मैंने ALVS इन चीजों के बारे में बात की तभी शायद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने वर्ड यूज किया इन्वेस्ट एंड नॉट स्पेंड। वो इसलिए बिकॉज वंस यू बाई दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू लास्ट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें एक साथ खरीदें, बट आपको जैसे पॉसिबल हो वैसे आप धीरे धीरे ये चीजें खरीद सकते हैं। इन चीजों के बिना भी डेफिनेटली आपके वीडियोस अच्छे बन सकते हैं, बट अगर आपके पास ये चीजें हैं देन इट विल गिव योर वीडियोस एन एक्स्ट्रा एज। सो दैट वॉज टूडेज वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल आई सी यू अगेन विथ माई नेक्स्ट वीडियो, माई नेम इज कुणाल एंड यू आर वॉचिंग टेक हाइफ।